हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो झाड़ू मैंने लगा ली थी, पोछा लगा ली थी, तो मैंने सोचा ये ना शूज़ बाहर रखे हुए थे, कब से सोच रही थी बट वही है, ये जो ये वाले ना, ये वाले शूज हन्नू के मामा ने दिए उसके बर्थडे में, जो मैंने अभी रखे ब्लू वाले। और भी शूज़ थे, क्योंकि आजकल तो सैंडल ही पहनी जा रही है, बरसात में तो सैंडल ही पहननी चाहिए, शूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इन्हें अंदर रख देती हूँ, एक जोड़ी बाहर रखे हैं, क्योंकि जब फोर व्हीलर चलाते ना तो इनको चाहिए होते। तो तीनों के शूज़ मैंने रख दिए हैं अंदर, और फिर मैं इसके बाद पोछा लगा लूँगी। झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, और आज सोफ़े का कवर मैंने धुलने के लिए डाला हुआ है, वो नीचे वाला सीट वाला ना, क्योंकि उसमें ना जैसे कल मैं मसाले वगैरह डाली थी तो मसाले गिर गए थे उसमें, मतलब उड़ गए थे हवा से, पंखे से, तो फिर वो मैंने धुलने डाला है। और ये तेल की कटोरी रखी है मेरी, क्योंकि मैं मालिश करती हूँ ना हाथ पे, इस वजह से। तो ये पन्नी भी मैंने धुल दी थी, क्योंकि अचार वगैरह का मसाला गिर गया था, तो ये धुल दी थी, रात को ही निकाल दी थी मैंने, तो ये धुली हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसे भी इसके साथ लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, और बाहर तो बारिश हो रही है इस टाइम पे। नहीं, बारिश नहीं हो रही है, मौसम ठीक है, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दिन का टाइम है, ख़तरनाक बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश हमारे यहाँ अब कंटिन्यू होने लगी है, और उमस वाली गर्मी स्टार्ट हो गई, बट फिर भी राहत है यार उस जून की गर्मी से जो इस बार पड़ी थी, उससे राहत है। पहले तो मुझे ना वही गर्मी अच्छी लगती थी, क्यों, लेकिन अब मुझे ही अच्छी लग रही, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ख़तरनाक पड़ी है ना। तो आज मैं आ गई, मैंने कहा चलो अपना किचन का वो कर देती हूँ, डीप क्लीनिंग क्या, पूरा किचन तो नहीं करूँगी, जैसे ऊपर वाली स्लैब नहीं करूँगी, क्योंकि वो अभी राशन वगैरह आएगा तब करूँगी, और नीचे का नहीं करूँगी, सिर्फ ये बीच के टाइल्स वगैरह और ये प्लेटफॉर्म और गैस वगैरह साफ़ करूँगी। तो मैंने कहा चलो ये कर ही देती हूँ काम। पहले मैं नहीं कर रही थी, फिर पता क्या, दीदी ने पानी लगाया, फिर मैंने कहा यार पानी चल रहा है, तो पानी का लालच आ ही जाता है, तो मैंने कहा चलो पानी चल रहा है तो चलो करती हूँ, क्योंकि टाइल वगैरह वैसे तो साफ़ थी, बस एक तरफ की टाइल गंदी थी जहाँ पे खाना बनता था। जैसे आपको पता ही है कि बीच में मैं नहीं कर पाई, करती रही मैं वैसे सफाई, अगर मैं करती ना तो पता नहीं क्या हाल हो जाता, पर उस तरफ की मैं कर नहीं पाई, तो मतलब करी मैंने बट, लेकिन फिर भी मतलब बहुत उधर हो रखा है गंदा ना। तो फिर मैंने कहा सब मैंने बाहर ये निकाल दिया है, मैंने कहा चलो टुकड़ों में सफाई हो ही जाएगी, अब जब राशन आ जाएगा ना तो उसके बाद में ये ऊपर के और नीचे की भी सफाई कर लूँगी। तो ये मैंने पहले ना ये मैंने वो कर दिया, मतलब स्कॉच ब्राइट से वो पानी से भिगा के विम बार लगा दिया है, और उससे ना फिर ये थोड़ी देर वैसे रख दो तो साफ मतलब एकदम से निकल जाता है। तो ये वाली टाइल से तो नहीं थी गंदी जो मैं लग कर रही हूँ, लेकिन फिर वो कर ही दिया, और यहाँ पे मैं ये भी साफ़ करी, पता मुझे हल्का सा करंट भी आया, नहीं करना चाहिए। और वैसे मैं कर मतलब सूखे कपड़े से ही करती हूँ, बट तो फिर मैंने ये सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, तो मैंने वो साफ़ कर लिया ऐसे ही, मैंने कहा कहीं वो ना हो जाए। तो फिर बस अब मैंने थोड़ा भीग गया था वो, तब तक मैंने कहा चलो रगड़ देती हूँ इसे, तो बस रगड़ दिया है मैंने। और ये आम देख रहे होंगे ना आप, ये रखे हुए थे मैंने चटनी बनाने के लिए, लेकिन चटनी ही नहीं बना पाई, वही हो जाता है यार, बच्चों के साथ बैठ जाते हैं फिर पढ़ाई करने के लिए, आजकल उनके रिविज़न चल रहे हैं और दोनों को बैठना पड़ता है, क्योंकि दो बच्चे हैं दोनों को बैठना पड़ता है, ट्यूशन वगैरह है नहीं, ट्यूशन वगैरह उस समय गए थे ये, लेकिन मतलब ऐसे ही हो गया। फिर मैम के भी कुछ वो फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, और फिर मैंने दोबारा बोला भी नहीं, क्योंकि मतलब मुझे कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा था, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा ले रही थी, और समझ में भी नहीं आ रहा था, फ़ीस तो कोई बात नहीं अगर अच्छा सा पढ़ाते तो, और फिर एक मैंने ही हुआ था, खैर क्या अच्छा पढ़ाना था, तो चलो फिलहाल ये है कि अभी रोक रखा है मैंने ट्यूशन बच्चों का, और मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही पढ़ाऊँगी बच्चों को, तो फिलहाल तो खुद ही, फिलहाल क्या अभी मतलब खुद ही पढ़ाऊँगी मैं। वैसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, ध्यान देना पड़ता है, और वैसे अभी तक तो थे नहीं ट्यूशन, तो ठीक ही नंबर आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कम नंबर आते हैं। तो बस पहले मैंने सोचा मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर ना मुझे तसल्ली नहीं हुई यार, मैंने कहा जब इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो फिर मैंने पानी डाल दिया, बस ये है कि उस पानी को नीचे नहीं उतरने दिया, वैसे वैसे वाइपर से मैं साफ़ करती रही, तो ये है बस पानी डाल दिया था, और पानी डालने से बिल्कुल अलग ही चमक आ जाती है जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो वैसे वैसे मैं वाइपर से साफ़ करती रही ताकि नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिरता तो नीचे किच पिच हो जाता बहुत ज़्यादा ना, सामान भी रखा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने वैसे वैसे वाइपर से साफ़ करती रही, वैसे वैसे ये करती रही, तो उधर वाला एरिया मेरा साफ़ हो गया। फिर मैंने कहा चलो अब इधर वाला एरिया साफ़ करती हूँ, और पता अच्छे से बहुत अच्छा से किचन साफ़ हो गया, टाइल्स जब साफ़ हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो बस यहाँ पे यहाँ का साफ जो इधर सामान रखा था वो अब इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर इधर का वो सफाई करूँगी। छोटा सा किचन है, छोटा सा क्या हो, किचन में जितना भी हो सामान उतना ही होता है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं अपने गैस साफ़ करूँ, गैस साफ़ था वैसे, इतना गंदा नहीं था, गंदा था ही नहीं, बट ये था कि जब मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो गैस को भी धुल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस मैंने वो विम बार लगा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और ये स्टील वाले गैस की यही खासियत होती है ना, मतलब धुल के ना बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, जो ब्लैक वाले होते हैं वो मतलब वैसे ही रहते हैं,
वो भी अच्छे लगते हैं वैसे, बट स्टील वाली ये कि चमक जाते हैं बिल्कुल बर्तनों की तरह नए जैसे लगने लग जाते हैं। तो बस ये रख कर दिया है, अब मैं करूँगी इस एरिए की सफाई। और जो ये वाला बटन देख रहे हो ना आप, जहाँ मैं अब करूँगी यही वाला, ये वाला नहीं, इसके बगल वाला एरिया ही गंदा था, मतलब उसमें मैं नहीं रगड़ पाई थी, एक तो दूर पड़ जाता है वो इस वजह से, तो थोड़ा थोड़ा तो मैं साफ़ करती रही, तो इस वजह से ये कितना गंदा नहीं हुआ। वैसे इसमें लग नहीं रहा, लेकिन मतलब वैसे मतलब जमा हुआ था ऐसे था। तो बस फ़िलहाल मैंने ये सब साफ़ कर दिया, भिगा दिया मैंने वो, तो भिगा के अब मैंने कर दिया है, तो अब मैं इसे पानी से धुल दूँगी। और मैंने प्लेटफॉर्म भी मतलब स्कॉच ब्राइट से ही साफ़ कर दिया था, तो अच्छे से मेरी किचन साफ़ हो गई है। और साफ़ किचन, कोई भी एरिया घर का साफ़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बार बार देखने का मन करता है, होता है ना, हल्का हल्का सा लगता है, लोग औरों को नहीं लगता है, लेकिन जो सफाई करता है ना उसे लगता है। तो बस ये हो गया, यही वाला एरिया बोलती थी, यही ज़्यादा गंदा हो रखा था, खाना बनता है ना यहाँ पे, तो इस वजह से पहले तो इंडक्शन में बनता था, अब इंडक्शन ख़राब हो रखा है हमारा, तो पहले वो वहाँ वाली टाइल्स गंदी होती थी, तो अब ये कि गैस पे ही ज़्यादा छोंकने वगैरह का काम होता है, तो फिर ये वाला एरिया गंदा होता है। तो वो ये जहाँ पे खाना बनता है वो एरिया, मतलब वो ये एक तो हमारा कुकर भी ख़राब हो रखा है, उससे ना मतलब पानी निकलता रहता है, तो इस वजह से गंदा होता है, नहीं तो इतना वैसे गंदा होने के कुछ वो है नहीं। तो बस पानी भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मेरा किचन साफ़ हो गया है, चमक गया है। और खिड़कियाँ भी करनी थी मुझे, बट नहीं कर पाई मैं, वो ये है कि फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है खिड़की साफ़ करने के लिए, तो फिर खिड़की देखूँगी फिर जब दूसरी बार करूँगी ना, तो उस समय खिड़की कर लूँगी, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर, और एक हाथ से इतना भी कर पा रही हूँ काफ़ी है। वो है कि अब दूसरे हाथ से ना थोड़ा सपोर्ट दे देती हूँ, तो इस वजह से, तो देखिए बिल्कुल मैं दिख रही हूँ टाइल्स में ना, तो इतना साफ़ हो गया है। तो बस ये सब साफ़ हो गया है और गैस भी मेरी चमक गई है, तो ये सब तो चमक गया है, लेकिन जो गैस के अटैचमेंट निकले हैं उनको तो साफ़ करना ही है, तो चलो अब उन्हें धुलती हूँ। तो जो गैस के बर्नर थे वो साफ़ करने थे, और मैंने कहा ये टोकरी भी साफ़ कर देते, क्योंकि टोकरियाँ ना बीच बीच में साफ़ ना करो तो नीचे से ना काली काली सी पड़ जाती है। मैंने तो मुझे लग रहा पता नहीं कब करी होंगी, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो टोकरी साफ़ कर देती हूँ, और हो गई थी ये थोड़ा, और जब करते रहो तो फिर ये कि साफ़ अच्छी हो गई, अच्छे से साफ़ हो गई थी। और फिर जो गैस के वो अटैचमेंट थे वो भी मैंने धुल दिए थे, और मेरी किचन मतलब इतना काम मेरी किचन का हो गया था। इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, झाड़ू पोछा हो गया था, सभी काम हो गया था मेरा, और बस दाल चढ़ानी थी और अपने लिए नाश्ता बनाना था। नाश्ते में पोहा ही खा रही हूँ, बेसन है नहीं तो चीला बेसन सूप वगैरह लेती हूँ मैं, वैसे ओट्स भी लेती हूँ, बट अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना राशन लाया नहीं, अब जब राशन लाएंगे तो सारा हो जाएगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल मैं वही पोहा वगैरह ही खा रही हूँ नाश्ते में। और बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे, बच्चे भी 12:30 बजे तक आ जाते, क्योंकि 12:15 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, तो यह है कि फिर उस हिसाब से ही काम करना भी पड़ता है ना। क्यों, और फिर खाना बच्चों को ये होता है कि जैसी हम आएँ वैसे खाना तैयार होना चाहिए, चाहे खाएं ना खाएं तो तैयार होना चाहिए। तो बस इसके बाद अपना नाश्ता करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना, और मेरी किचन साफ़ हो गई। 12:30 हो गए हैं, खाना बन गया है, दाल छौंक दी, मिक्स दाल बनाई है मैंने और दाल छौंक दी है, यहाँ पर बिंदी लगी है। हाँ यार डालो कपड़े, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और जब तक कपड़े धुले नहीं तब तक कल के लिए कपड़े फिर से इकट्ठे हो गए। खोलो कल के लिए, कर से कल तो खैर क्या धुलूंगी। तो बस ये हो गया है, बंद करो आराम, लाइट नहीं आ रही है, लाइट जली गई है, और पंखा देखो कितनी तेज खोल रखा है इन्होंने। और इधर बिखरे हैं मेरे कपड़े जो मैं बोल रही थी ना कल, इसके अंदर लेगिंग वगैरह हैं, और जो सूट वगैरह निकाले थे तो वो भी सेट करने हैं मुझे। सेट क्या करने, प्रेस करके ही सोच रख दूँ उन्हें, और पता नहीं क्यों साफ़ नहीं आ रहा, एक मिनट। तो बस इन कपड़ों को रखती हूँ, अभी तो प्रेस नहीं करूँगी, अभी तय मार के रख दूँगी, और क्योंकि आज जाएंगे हम ससुराल, तो सोच रही थी ये वीडियो एंड कर ही दूँ यहाँ पे। और वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, आज मैंने जैसे आपने देखा किचन की हाफ़ क्लीनिंग करी, हाफ़ मैं अब राशन लाऊँगी परसों, फिर तभी करूँगी, मतलब आज कितनी 29 तारीख हो गई, तो अब सैलरी आने वाली है, तो नई सैलरी से नया राशन भरा जाएगा। और तभी मैंने कहा डब्बे वगैरह सारे मेरे खाली हो ही रखे हैं, मैंने रखे हैं, धुलने भी हैं, और फिर राशन भी अरेंज करना है, नीचे की भी सफाई करनी है। तो बस यही है, और खाना बन गया है, अभी सीटी नहीं आई चावल में, सीटी आने वाली है, तो फिर बच्चों को खाना दूँगी, बच्चे टीवी देखेंगे, इंजॉय करते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को चलेंगे ससुराल। तो चलो इसी के साथ आरा बंद करके आओ, सीटी आ गए, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।